कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप सबको पता ही है, इकोनॉमिक्स के हम लोग ने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो थर्ड चैप्टर रहेगा आज। और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या है, क्या चीज़ नहीं है। इसके अंदर सेम मेन अगर बात की जाए, सेंसस और सैम्पल मेथड्स के बारे में बात की गई है, कलेक्शन ऑफ डाटा की। अब कलेक्शन ऑफ डाटा आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर लिया है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप आराम से वहाँ से सीख लीजिएगा, उसके बाद ही ये चैप्टर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये होता क्या है अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, किसी कॉलेज में 2000 विद्यार्थी हैं, एक अनुसंधानकर्ता उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए उसको कलेक्शन ऑफ डाटा करना पड़ेगा, है ना। इस उद्देश्य के लिए वे दो विधियों का प्रयोग करता है, मतलब टू मेथड्स यूज करता है। एक विधि तो यह है कि वे सभी 2000 विद्यार्थियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी आंकड़े एकत्रित करें, मतलब कि 2000 लोग जो हैं उनके बारे में बैकग्राउंड में क्या क्या है, कितने इनकम है, क्या चीज़ है, उनके बारे में सबके बारे में पता करें थोड़ा थोड़ा कि कैसा है कैसा नहीं है। उसके अलावा में दूसरी विधि यह है कि अनुसंधानकर्ता सभी 2000 विद्यार्थियों के संबंध में सूचना एकत्रित ना करके केवल विधि को जनगणना केवल विद्यार्थियों के संबंध में सूचना एकत्रित करे कुछ विद्यार्थियों के जो सबका प्रतिनिधित्व करते हों, मतलब इसका मतलब ये है कि सबको ना लेकर कुछ एवरेज स्टूडेंट्स को लेना, मतलब कि देखा जाए कि स्टूडेंट्स पहले तो देखे जाएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है कितने कितने उसमें मेजॉरिटी है, जैसे 50,000 अबव जो इनकम है वो कितने वालों की है, 1,00,000 वाले कितने हैं, 30,000 कितने हैं, तो जितनी मेजॉरिटी हो उसके हिसाब से डाटा को बनाया जा सकता है ना। तो दो मेथड यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इसके अंदर आगे जो है ये लोग क्या बोल रहे हैं, जनगणना और प्रतिदर्श की अवधारणाएं, मतलब क्या क्या चीज़ इसके अंदर आती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पुस्तक के अध्याय दो में समग्र अथवा जनसंख्या की अवधारणाओं का विवेचन किया गया है। जनगणना तथा प्रतिदर्श अवधारणाओं का विस्तृत अध्ययन करने से पहले इनका संक्षेप में विवरण देना लाभदायक होगा। तो जनगणना और प्रतिदर्श होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सेंसस और सैंपल का, वो चीज़ बताई जाएगी। सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस कुल समूहों को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। कुछ पुस्तकों में इसे समष्टि भी कहा गया है। सिंपली आप लोगों को टोटल जो एक ग्रुप होता है किसी चीज़ का, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है ना, जनसंख्या कहा जाता है या फिर यूनिवर्स कहा जाता है। तो इस विषय में जानकारी जब प्राप्त करनी है, तो इसके बारे में जब पता करना है, तो इसे जो है समष्टि कहा जाता है, ठीक है। साधारणतः जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले कुल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जनसंख्या शब्द तो पता ही आप लोगों को, बोलते हैं ना कि भारत की जनसंख्या कितनी है उसके लिए, ठीक है ना। मैं ये इस चैप्टर पर मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाले होते हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हूँ बच्चे, क्योंकि न्यूज़ सब्जेक्ट है आप सब लोगों के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से बस समझना होगा चीज़ें, ठीक है ना। एक बार समझोगे तो भूलोगे नहीं। आगे जो है क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित समय में रहने वाले कुल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे 2010 और 11 में भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ के आसपास थी, परंतु सांख्यिकी में जनसंख्या शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। सांख्यिकी में जनसंख्या उन सभी मदों के समूह को कहा जाता है जिनके विषय में हम सूचना एकत्रित करना चाहते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर बॉडी ऑफ आइटम्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो चीज़, ओके। उदाहरण के लिए आपके कॉलेज में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि अन्वेषण का संबंध सभी 2000 विद्यार्थियों से है तो इन विद्यार्थियों के समूह को जनसंख्या कहा जाएगा। मतलब अगर हमें स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पता करना है, कोई नॉलेज लेनी है, तो उनको सिंपली क्या बोला जाएगा, वो जनसंख्या है, वो पॉपुलेशन है। यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि भारत की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। नॉर्मल अगर हम किसी ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उस ग्रुप को भी जनसंख्या बोला जाएगा, ओके बच्चे, इतना समझ आया। नेक्स्ट, जनसंख्या की एक इकाई को मद कहा जाता है, आइटम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण, चीनी का एक कारखाना जो है वो क्या है, मद है, परंतु मदों के कुल समूह को जनसंख्या कहा जाता है। मतलब टर्म अगर बोला जाए, सिंपल चीज़, जैसे कि हमें अगर किसी के बारे में पता करना है, किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो जैसे एक हमें मान लो कि हमारे जो सिटी है उसके अंदर चीनी की मिल जो है वो कितनी चल रही है, जो एक मिल है वो आइटम है, मतलब वो मद है, और जब टोटल जितनी मिलें टोटल होंगी उनको जनसंख्या बोला जाएगा, ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको। उसके बाद आगे देखें, चाहे दो पेजेस हों लेकिन ध्यान से आराम से करेंगे हम, ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए और आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो सेंसस और सैंपल के बारे में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यदि सांख्यिकी जांच समग्र की सभी मदों पर आधारित हो तो इसे जनगणना जांच कहा जाता है। तो जनगणना जांच किसे कहा जाता है, जब जांच समग्र की सभी मदों पर आधारित होकर कोई सांख्यिकी जांच की जाए तो उसे बोला जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि अपने शहर के 25,000 गृहस्थों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपने सभी 25,000 गृहस्थों
की संख्या की आंकड़े एकत्रित करने का निर्णय ले लिया है, अर्थात आपकी संख्या की जांच समग्र की सभी मदों को ले रही है, पूरे संख्या की समूह को ले रही है। जब तब आप संख्या की जांच की जनगणना विधि पर निर्भर हो रहे हैं, है ना, संख्या की जांच जो है उसकी जनगणना विधि पर जा रहे हैं। इसका एक विकल्प यह है कि अपने शहर के प्रत्येक उस पांचवें या दसवें गृहस्थ की संख्या की आंकड़े एकत्रित करें जो शहर के 25,000 गृहस्थों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब एवरेज में जो जो आ रहा है हम उनको ले सकते हैं, ना कि सबका डाटा एक साथ में कलेक्ट करने में, ठीक है। तो इस चीज़ से भी होता है, इसको आगे बोला जा रहा है, अब आप समग्र की सभी मदों को नहीं ले रहे हैं बल्कि समग्र के केवल एक प्रतिदर्श मतलब सैंपल को ले रहे हैं, एवरेज दिखाने के लिए हम सैंपल ले रहे हैं। प्रतिदर्श की सभी विशेषताओं के समग्र की सभी विशेषताओं को प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की जाती है, अथवा 25,000 परिवारों के प्रतिदर्श जीवन की गुणवत्ता से आपके शहर सभी 25,000 परिवार के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो गए, मैम ये क्या बोल रहे हो, प्रतिदर्श आंकड़े और सैंपल सेंसस, तो कुछ नहीं है। सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है जनसंख्या किसे बोला जाता है, सेंसस किसे बोला जाता है। तो जनसंख्या जब हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्शन करते हैं, किसी चीज़ के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो किस चीज़ के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं वो चीज़ जो है जनसंख्या कहलाती है, मतलब ग्रुप्स में अगर वो चीज़ होती है, और उसी की एक इकाई जो होती है वो आइटम मतलब मद कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए इस पेज को जो मैंने पढ़ाया है, जहाँ आप देख सकते हो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 27 आइटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से सैंपल निकाल सकते हैं। सैंपल देखिए, उन्होंने 3 सैंपल निकाल लिए, एक ये एक ये एक ये, ऐसे करके। तो सबका डाटा जो है हम नहीं लेने की बजाय हम कुछ 3 चीज़ जो हैं जो एवरेज में ज़्यादा दिख रही है मेजॉरिटी वाली, उनको लेके तब भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरीके से ये है। उसके बाद में आगे जनगणना विधि प्रतिदर्श विधि है, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी आपको इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। तो इतना करिए इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मुलाकात होगी, फिर हम विधियाँ स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स थ्योरीज इनके ऊपर ध्यान देना है। मैथ्स भी होता है लेकिन मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत। एग्ज़ाम टाइम में मैथ्स के जो प्रैक्टिकल होंगे हम वो भी करेंगे, वो भी सीखेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय।